देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच अमीर भारतीय देश छोड़कर यूएई जाने लगे हैं। इसी बीच यूएई के लिए टिकट के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट जेट्स की मांग भी इन दिनों बढ़ गई है। यूएई को जाने वाली फ्लाइट बंद होने से पहले लोग भारी तादाद में यहां पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। भारत में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में भी हालात बदतर है। ऐसे में यूएई ने रविवार से भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूएई से भारत के बीच एयर रूट व्यस्ततम रूट में से एक है। फ्लाइट टिकट के दाम की तुलना करने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक मुंबई से दुबई जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट के टिकट के दाम 80,000 रुपए तक हो गए हैं। ये सामान्य दाम से 10 गुना ज्यादा है। दिल्ली से दुबई जाने वाली फ्लाइट के टिकट के दाम 50,000 से ज्यादा हो गए हैं, जो कि सामान्य दिनों की कीमत से 5 गुना ज्यादा है। हालांकि प्रतिबंध के ऐलान के बाद से रविवार से किसी भी फ्लाइट का टिकट उपलब्ध नहीं है। एक एयर चार्टर सर्विस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि प्राइवेट जेट्स के लिए भी मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। कल 12 फ्लाइट दुबई जाने वाली है और सभी फ्लाइट्स फुल है। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक लोग ग्रुप बनाकर प्राइवेट जेट्स की बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास थाईलैंड के संबंध में भी पूछताछ की गई है, लेकिन ज्यादातर लोग दुबई के लिए ही पूछ रहे हैं। हमने डिमांड पूरा करने के लिए विदेश से और एयरक्राफ्ट मंगाने की अपील की है। मुंबई से दुबई जाने के लिए 13 सीटर विमान का खर्च $38,000 है। वहीं 6 सीटर के लिए $31,000 का खर्चा देना होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।